जी खोल के मूवी देखकर समझ में आई बात, तुम लोग ना गंदो गंद, तुम लोग को ना बस एक ड्रामा चाहिए और ये हिंदुस्तानी भाव लेके बैठ गया, ये तूने गलत किया, ये तूने गलत किया। अच्छा अच्छा इस बात की क्या गारंटी है, आर्मी के सारे ऑफिसर्स जब बाहर रहते हैं तो उनकी वाइफ किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं बनाती, नहीं है ये गारंटी, नहीं है ये गारंटी। आज इस बात पे सारी लड़कियां और औरतें उठ पड़ी हैं, लेकिन गारंटी नहीं है, नहीं है गारंटी। कई फिल्मों में इससे पहले दिखाया रखा है, जो उसका पति अगर ऑफिसर में रहता है ना तो वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में बन जाती है और उसके बाद वो आते हैं डाइवोर्स देते हैं, ये सब स्टोरी स्टार्ट होती है, कई फिल्मों में इससे पहले दिखा रखा है। ठीक है, उस टाइम में तुम्हारी आंखें काफी बंद हो रखी थी, हवा लूटने का शौक है बस, हवा लूट के एक कार में बैठ के गोली अपने हाथ में बंदूक रख के और पाकिस्तान के लोगों को गाली देने से कोई कूल मैन नहीं बन जाता, समझ में आई? कूल मैन नहीं बन जाता, समझ में आई? एकता कपूर के पीछे तुम इस तरीके से पड़ गए हो, तुम्हें लग रहा है मेरा फेम बढ़ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, तो कौन है वो? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। डायरेक्टर साहब रिलैक्स यार, रिलैक्स यार, यहाँ पे शॉर्टेड का हुआ ट्रेड बने लोग आतू बातू बातें कर रहे हैं। अबे तू है कौन बे चमकादर, नजर बाप की नाजायत औलाद, तू मुझे पहले ये बताना तुझे किस बात की गारंटी चाहिए, ना बता तुझे किस बात की गारंटी चाहिए। जब तुझे बाप ने पैदा किया, जो दुनिया में लेके आया, तूने उस बाप से कभी गारंटी मांगी है? तू ही मेरा बाप है क्या? पहले जाके तू अपना DNA चेक करवा ले, तब तुझे पता चलेगा तेरे बाप कौन है। जब जब बाप का पता चल जाएगा तो आना बात करने के लिए, हम बात करेंगे। हमारे देश में ना गद्दार की कमी नहीं है, एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, मतलब खुद को फेमस करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है, वो चाहे अपने माँ बाप की इज्जत को भी दांव पे लगा सकती है। जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती, वो देश की इज्जत क्या करेगा? ऊपर से एक लाश वीडियो में डाली थी, एक लड़की अपने नेशनल एंथम को देश को मिडल फिंगर दिखा रही थी। अब ये नया वायरस आ गया, ये वायरस ने चमकादर है, मतलब वो अपने इंडिया के जवानों को, वो अपने इनके फैमिली के बारे में गलत सारी बातें बता रही है। चलो आज उनके ढंग से लेते बिना तेल लगा के। देख गद्दारों के चमकादर, तुझे इस देश में रहना है ना तो इस देश की रिस्पेक्ट करना सीख ले। देश की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती है ना तो जिस नाले से अपना मुंह उठा के बात करने आई है ना, वही मुंह उस नाले में घुसाड़ दूंगा, बात करने लायक भी नहीं छोड़ूंगा तेरे को। पुराने टाइम में फिल्में में क्या होता था, कैसे होता था, क्या दिखाना चाहते थे, कुछ भी दिखाते थे, वो सब बात ना गई तेल लगाने के लिए। आज के टाइम पे ना ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ना हम होने भी नहीं देंगे, क्योंकि आज का जो हमारा देश है ना एडवांस में है, मतलब अच्छे लोगों को गले लगा भी लेता है और गद्दारों को ठोकता भी है। भाऊ तू क्या कहना चाहेगा उस बात पे, तू कैसे ठोकेगा? टपा टप टपा टप टपा टप, मालूम ना कैसा लेते फिर, टपा टप टपा टप टपा टप, अभी बता दे भाई कैसे। जब ठोकेगा ना तब पता चलेगा पब्लिक क्या कैसी ठोकती है, पंगा मत ले, आज का भारत कुछ अलग है। ठीक है, और तुझे इतनी ज्यादा खुजली हो रही होगी ना, हिचगार्ड लगा ले, वो खुजली मिटा दे। देश के ऊपर कभी उंगली नहीं करने का, देश में रहना है दो ही बंदों के रिस्पेक्ट करना सीख जा तू पहले। पहले ही बात है हमारे देश के जितने भी जवान हैं उनके रिस्पेक्ट करना, और दूसरी है कि जितने भी किसान हैं देश में, जवान और किसान को रिस्पेक्ट करोगे तभी देश रिस्पेक्ट करेगा आपकी, नहीं तो देश को तो पता है और पब्लिक को पता है इज्जत कितनी कैसे और कहाँ कहाँ देनी है। एक बात बता, जब एकता कपूर एक थी कबूतर, अरे भाऊ सॉरी गलती से निकल गया, एक था कबूतर के बारे में, जब भाऊ पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट दर्ज किया, आवाज उठाया, भाई एक बता तेरे गांव में ना तेरे जी में क्यों दर्द हो रहा है, हाँ तेरा क्या रिश्ता है उसके साथ, बता तेरा क्या रिश्ता है? एकता कपूर के फेंके हुए दाने पे तो पल रही है क्या, तो अपना पेट भर रही है क्या अपना? देश में ना गद्दारों की संख्या दिन दिन बढ़ते जा रही है, एक लोग गद्दार होते हैं गद्दार रहते हैं, एक गद्दार था गद्दार है और गद्दार ही रहोगे, कभी सुधरोगे नहीं। मैं कुत्ते की पूछ टेढ़ी की टेढ़ी रहते, एक बार कोशिश भी करोगे ना उनको सीधा भी कर सकते, पर इन गद्दारों को नहीं कर सकते। भाई गद्दारों का एक एडवाइस एक सजेशन है, भाई गली से पतली गली से निकल जाओ, देश से बाहर निकल जाओ, अपना बोरा बिस्तर बांध लो, इस देश को तुम लोग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान और चाइना वालों को तुम लोग की बहुत जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे गद्दारों का अड्डा है, क्योंकि आज का देश आज का भारत हमारा गद्दारों को पालता नहीं है, सीधा ठोक देता है, पंगा नहीं लेने का दोबारा, मौका देगा नहीं, मारेगा बाद में, पहले घिसटना स्टार्ट करेगा, इतना घिसट देगा ना मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम लोग भी वीडियो देख रहे हो ना,
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तभी चल जाएगा, पर इस वीडियो को शेयर करो, इस चमकाते के पास पहुंचना चाहिए वीडियो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस चमकाते को कान में घुसना चाहिए, कान से खून निकलना चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे भी चल जाएगा मेरे को, पर इन लोगों की मारना चाहिए, वो भी बिना तेल की। जय हिंद जय भारत। शुरुआत हो गई है हा? तो इनकी कंफर्म हो जाएंगे, और जितने भी लोग ये मेरे मुहिम में मेरे साथ में खड़े हो गए, धन्यवाद। ये आपके वजह से आज इंडियन आर्मी के जवानों को पावर आता है कि उनके साथ हम खड़े हैं। हाँ, तो ऐसे उनका साथ दे दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।